कहना चाहूंगा, चाहे वह बीजू जनता दल हो, ये तो नौकरशाहों से घिरी हुई सरकार है और नौकरशाही जब किसी सरकार को घेरता है तो तानाशाही को जन्म देता है। जनता जनार्दन से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। वहां पे भ्रष्टाचार पनपता है, गरीब के हक पर डकैती पड़ती है, वहां पे लैंड माफिया, सैंड माफिया और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह विफल हो चुका होता है। बहनों और भाइयों, किसी नौकरशाह को इतनी स्वतंत्रता और इतनी उसको अधिकार नहीं दे जा सकते, नहीं दे जाने चाहिए कि वह सत्ता का संचालन करने लग जाए। उसका काम सत्ता का संचालन करना नहीं है, सत्ता का संचालन संसदीय लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही होना चाहिए, वही सही लोकतंत्र का प्रतीक है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, एक और यहां की सरकार नौकरशाहों से घिर करके उड़ीसा के भावनाओं के विपरीत आचरण कर रही है, उड़िया परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह माखोल उड़ाने का काम कर रही है, उड़िया परंपरा को पूरी तरह अपमानित करने का काम कर रही है, और दूसरी ओर देश के अंदर इंडी गठबंधन है, वे सब क्या करने जा रहे हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। और मैं तो आज धन्यवाद देना चाहूंगा कोलकाता हाई कोर्ट को, जिसने टीएमसी की सरकार के द्वारा 2010 से लेकर के लगातार मुस्लिमों को ओबीसी की जातियों में जबरन शामिल करके उन्हें ओबीसी के आरक्षण में घुसपैठ करने का एक षड्यंत्र किया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में टीएमसी के सरकार के इन सभी फैसलों को पलट के कहा कि नहीं, भारत के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मंतव्य है वह अंतिम मंतव्य है, हमें उसका संविधान का, उस संविधान की भावनाओं का पालन करना चाहिए। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।